वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ योर होस्ट लतीफ़ इब्राहिम। आज मौसम बहुत सुहाना है एंड हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी शुरू हुई है, तो क्यों न मैं आपको इस मौके का फ़ायदा उठा के आपको मैं अपने गार्डन का टूर कराता हूँ। तो लेट्स मूव, कुछ दो चार बूटे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हाँ यह है पीच। रिसेंटली अभी 2 साल का है मसाए, तो 2 साल में इसको पीच तो बहुत बने थे। ये बहुत ब्रांडेड है, ये पीच जो है मैंने बाहर से लाया है, बाहर से मंगाया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट साल में आपको इसका बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ये सब्जी मिलेगी और इसके साथ में हमारा एक प्लम का पेड़, ये हमने छोटे छोटे लगा रखे हैं साइड में। ये टनल है, हम इसके अंदर से घुसते हैं। ये आ गया हमारा जो मेन ऑर्किड है, हमारा ये ऑर्किड है, ये है, आप पहचान गए होंगे राइट? जी हाँ, आपने सही समझा, ये ग्रेप्स है। अंधेरा है, बारिश कुछ हुई है, बूंदाबांदी जो हुई थी, जो शबनम नुमा इस पत्तों पे दिखाई दे रही होगी आपको, मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी फ्रूट भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, जस्ट अ मिनट। ये अगर आप देख पा रहे होंगे, अंदर से अंधेरा है, ये बिल्कुल टनल बन गया। यहाँ से आपको ये मेरे मकान का छोटा सा व्यू दिख रहा होगा। बस बस बस, तो अभी आप ये मेरे बैकग्राउंड में आपको मेरी ये जो है छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे दिख रहे होंगे, किस तरह से ये अभी उत्सुक है, ये अच्छी तरह से ये फल पकने का इंतजार में है। तो ये लड़ाई झगड़ा भी करते हैं बहुत ज्यादा। मैं नहीं करता। आप नहीं करते? नहीं। चलो ठीक है, कुछ बोलना है अरिशा आपको? यस। तो बोलो हेलो। हेलो गाइस। हेलो गाइस, व्हाट्सएप चैनल पर रहते हैं। ये जो है 2-3 साल का पेड़ है सेब का, बट इसमें जो है अभी कोई भी फल नहीं लगा हुआ है। जो छोटी सी बाड़ी है आपको दिख रही होगी, आपको दिख रही है, ये हमारा अखरोट का दरख्त है माशाल्लाह। अभी यहाँ पे ये अखरोट का पेड़ है, इसको हम नजदीक से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये छोटा सा पेड़ मैंने पिछले साल इसी से लगाया है, फ्रूट लगने की कोई आशंका नहीं है। यहाँ से आपको मैं ये छोटा सा नजारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। आ गया हूँ यहाँ पे अपने मकान के इस तरह, और ये है हमारा नाशपाती जी। ये आपको नाशपाती दिख रहा होगा, तो मुझे बोले नहीं दोगे? हम दिखा ले, ये देखो। इस वक्त शाम का वक्त है, नहीं दिख रहे होंगे। ये सब्जी का नजारा आप देख सकते हो किस तरह से बनी हुई है। अभी यहाँ से मैं आपको ये आपको एप्रिकॉट, इसको क्या बोलते हैं, सब्जी में जाओ और सब्जी तोड़ दो, यही काम है आपका। यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको आपको बच्चों का शोर सुनाई दे रहा होगा, बट इसमें भी अपनी एक चाशनी है, इसका भी अपना मजा। ये है हमारा बादाम का पेड़, लेकिन इसमें अभी बादाम लगे नहीं, इस तरह से
ये हमारे अंगूर के जो है फॉरेन कंट्रीज के अंगूर मिलते हैं, अभी आपको इंशाल्लाह सीडलेस है, कामयाब भी हुए। लास्ट ईयर इसमें लगभग 8 या 10 पेटी हमने उतारा था, तो इंशाल्लाह इस बार भी होप की 10 से 15 पेटी कम से कम। ये हमारा छोटा जो है प्याज का खेत है, ये जो है फ्लैशलाइट ऑन की है और फ्लैशलाइट में दिखाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ कि ये अंगूर जो है अंदर छुपे हुए थे, इनको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपके सामने। होप के अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। हमारे यहाँ जो ज़ुबैर सोहेल साहब जो हमारे चमलवास के हैं, उन्होंने काफ़ी जो है इस फील्ड में काफ़ी तरक्की की, तो उनसे ही हम इंस्पायर होकर ये सब बाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही हमें लास्ट ईयर मैंने ये रफीक मलिक साहब से जो है उनके बूटे लिए थे, तो बहुत ही आला किस्म के हैं माशाल्लाह। वो एक मेहनती इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे बागवान भी हैं। शाम का मंजर है, सुहाना मंजर है, और मैं आपके सामने ये विजुअल दिखाने की कोशिश करता हूँ। होप आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। आउटर साइड है इसका अंगूर के पेड़ का, और साथ में आपको सेब दिख रही होंगे। अंगूर को यहाँ पे नीचे से दिखाने की कोशिश करूँ, हालांकि अभी छोटे हैं लेकिन इनिशियल स्टेज में है, इंशाल्लाह ये काफी बड़े होते हैं। ये हमारा दूसरा पेड़ है सेब का, जिसमें फल तो लगे लेकिन कम मात्रा में। अब हम उस तरफ चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ प्याज लगाए हुए हैं, तो इसको भी बन चुके हैं थोड़े बहुत, खाद वगैरह इस्तेमाल बहुत कम किया है, जितनी भी है। तो नेक्स्ट हमारा जो मेन ये है हमारा हमारे बाग का सबसे बड़ा दर, इसके सेब अगर बिल्कुल छोटे हैं लेकिन बहुत लजीज है, ये बहुत अच्छे होते हैं। इसे रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, तो काफ़ी मात्रा में इसमें जो है इस बार बने हुए हैं सेब, तो होपफुली आपको ये हमारा छोटा सा बाग बड़ा पसंद आया होगा। यहाँ पे हमने कुछ अखरोट के बूटे दिए हैं जो घर से तैयार किए हमने जो नर्सरी, तो उसी को देख चलते अभी इस पे अखरोट नहीं लगे हुए हैं। हाँ, कुछ अखरोट हमें दिखाई दे रहे हैं, ये घर से बना हुआ अखरोट है, घर का अखरोट है, तो इंशाल्लाह लेट्स होप इस पे ग्राफ्टिंग भी होती है, तो ये भी अभी इसमें कुछ दिखता नहीं है। और ये है हमारा दूसरा अखरोट, हाँ अच्छा है फल, ये भी घर का जो है घर की प्रोडक्शन है। तो इसी के साथ हम यहाँ पर अपना वीडियो एंड करते हैं। आपको छोटा सा ये नज़ारा दिखा रहा हूँ, खान साइड हमारे मेरे घर का क्या सीन है माशाल्लाह। शाम का वक़्त था, मौसम सुहाना था, बारिश हुई थी, हल्की बूंदा बांदी हुई थी, तो इसी बहाने इस मौका को गनीमत जानकर मैंने आपके लिए ये छोटी सी कोशिश है, ये छोटी सी कोशिश मैंने की, होपफुली कि आपको पसंद आई होगी। सेब के 2-4 पेड़ है, कुछ अंगूर के कुछ दरख्त है, सेब है, अखरोट दिया हुआ है, अनार अभी बना नहीं है, ये छोटी बच्ची चलाती हुई पीछे से आ रही है। चलो 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 चलो, ये है टनल नुमा हमारा, ये देखो हमारा। चलो 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 चलो, और ये देखो अली बाग क्या कर रही है, देखो अली।
चलन अपने पीछे दिखाओ वो देखो। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने घर की तरफ रवाना है, तो होपफुली आपको छोटा सा ये वीडियो हमारा अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। ये था हमारा छोटे से बाग का छोटा सा टूर, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि हमें अभी इस बाग को बनाने में कितना टाइम लगेगा और आपके पास कितने किस्म के पेड़ है, क्या आपकी फ्रूट बन रहा है या नहीं। नेक्स्ट में अब आपको इंशाल्लाह हमारे ही गाँव में यहाँ पे एक अकबाल साहब है, उनका एक बाग है, छोटा सा बगीचा है, उन्होंने यूनिक किस्म के पेड़ वहाँ पे लगाए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।